नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो यस, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक शॉपिंग हॉल। सो इट्स लाइक अ मिक्स्ड शॉपिंग हॉल। मैं ये नहीं बोल सकती कि क्लोथिंग है या होम डेकोर है या कोई एसेंशियल चीजें हैं, इसमें सब कुछ मिक्स्ड है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट से। और रिसेंटली मैंने अपना एक इसी रूम का स्टूडियो कम बेडरूम मेकओवर वीडियो है वो डाला था, उसमें कुशन कवर्स के लिए मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि आपने कहाँ से लिए। ऑल्दो मैंने उसमें बताया था कि मीशो से लिए हैं, बट स्टिल मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। तो ये कुछ रहे वो कुशन कवर, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, सुंदर दिखने में बहुत ज्यादा है। हम अभी बात करेंगे इसके क्वालिटी की। तो ये है 5 कुशन कवर्स तो लिए हैं, इनके ऊपर डिजिटल प्रिंट्स बना हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पिक्चर्स में ये बहुत सुंदर लगेंगे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जिस हिसाब का मैंने प्राइस पे किया है, ये मुझे 305 रुपीज में पड़े थे, तो 305 रुपए में 5 कुशन कवर्स जो आपके थीम से मैच हो रहे हो, और क्या चाहिए आपको। बट मैं आपको एक फ्रेंकली चीज बता देती हूँ कि जब आप इसके पीछे देखेंगे ना, तो ये जो पीछे का कपड़ा है ये बहुत फ्लिमजी सा कपड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा पतला है। ये देखिए, ये रहा मेरा हाथ, आपको ऑलमोस्ट इसमें मेरे नेल पेंट का कलर भी दिख जाएगा, ये इतना ज्यादा पतला है। इसमें फिनिशिंग नहीं है, इसके जो धागे हैं वो पूरे ऐसे निकल रहे हैं, ये सारे धागे जो हैं वो पूरे इसके निकल रहे हैं। 2-3 बार में पीछे का जो कपड़ा है ना ये फट सकता है। एक बार ये वॉश हुआ है, तो वॉश करने में अभी तो इसकी कंडीशन ठीक है, कलर वलर कुछ निकला है नहीं, तो कलर्स को लेकर के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ये जो फिनिशिंग है वो थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें, जैसे ये थ्रेड्स पूरे निकले हुए हैं और ये जो कपड़ा है ये थोड़ा सा, बट हाँ प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको थोड़े सस्ते और इस टाइप के कुशन कवर्स चाहिए कि आपको फेस्टिव सीजन के लिए चाहिए, आप डेली यूज़ के लिए तो इसको शायद यूज़ कर भी सकते हो बट जल्दी ख़राब हो जाएंगे, बट कोई आ रहा है घर में या आपका फेस्टिव सीजन है या आपको मेकओवर कर रहा है या ऐसा कुछ है, तो उसके लिए आप इसको ले सकते हैं, प्राइस बहुत अच्छी है। सेकेंड प्रोडक्ट है वो है ये, बहुत अच्छी क्वालिटी में आया है, ये बड़ा इम्प्रेसिव टाइप का आया है मेरे पास। तो ये है बेसिकली, यहाँ से इसमें लॉक दिया हुआ है, ये लॉक मैंने ऐसे ओपन किया और यहाँ से मैं ये ओपन करूँगी, तो ये है, मैंने उल्टा ओपन किया है सॉरी, तो यहाँ से मैं इसको ओपन करूंगी। तो ये है वॉच केस, बहुत ही अच्छे साइज में आया है। मुझे एक वॉच केस चाहिए था बिकॉज मैं अपनी जो वॉचेस हैं वो लिटरली बहुत ही कहीं पर भी घुसा करके रख देती हूँ, एंड सम ऑफ द वॉचेस आर रियली एक्सपेंसिव, तो उसको रखने के लिए स्क्रैचेस ना आ जाए उनमें या कुछ वो खराब ना हो जाए, मैं बहुत रफली अपने वॉचेस को स्टोर करती थी। तो मैंने बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे एक अच्छा सा वॉच केस जो है वो लेना है, सो दैट मेरी इसके अंदर सारी वॉचेज आ जाएं। काफी बड़े साइज में है, 10 इसका है, इसमें 8 का भी आता है, इसमें 6 का भी आता है, बट मैंने इसमें 10 का भी लिया है ताकि विक्की की वॉचेस भी इसके अंदर आ जाए। यहाँ पर एक बहुत अच्छे से स्टोरेज दिया हुआ है, सो दैट आप अपने वारंटी कार्ड इसमें रख सकते हैं, जो भी आपके वॉच के होते हैं या जो हम चेन्स कट करवाते हैं वो आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं सेफली, या जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको हटा करके एज अ ज्वेलरी बॉक्स भी बना सकते हैं, मतलब मल्टीपल टाइप का है, बट मैं तो इसको, मैंने ये प्रेफरेबली वॉचेस के लिए ही लिया है। काफी सारे लोगों ने मुझसे मेरे वॉच कलेक्शन के बारे में भी पूछा है, तो वो तो जब मैं मुंबई जाऊंगी तभी हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पर मैं हार्डली 3 वॉचेस लेकर के आई हूँ और सारा जो भी मेरा वॉच है, एनालॉग वॉचेस है, वो सब मुंबई में ही रखा हुआ है। तो जब मैं मुंबई पहुंच जाऊंगी तो मैं डेफिनेटली वॉच कलेक्शन जरूर करूंगी विद देयर लिंक्स एंड प्रोडक्ट कोड्स। नेक्स्ट मैंने प्रोडक्ट मंगवाया है वो मंगवाई है स्वेट शर्ट, उसकी पिक्चर मैं यहाँ पर डाल दूंगी क्योंकि वो स्वेट शर्ट विक्की ले ही जा चुका है। तो मैंने मेरे हस्बैंड के लिए मंगवाई है, विक्की के लिए मंगवाई है, उसको ठंड बहुत लगती है और हम लोग ठंड के कपड़े यहाँ पर लेकर के ही नहीं आए हैं, अभी थोड़े टाइम में थोड़ी ठंडक और होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके लिए मैंने ये स्वेट शर्ट मंगवाई है। पहन करके आपको समझ में आ जाएगा, उसको मैंने पहना करके भी देख लिया था कि कैसा आया है, काफी स्मार्ट आई थी, घर में पहनने के लिए बहुत अच्छी है, बाहर भी पहन सकते हैं आप, बट घर के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अभी तक इसको वॉश नहीं किया है तो मुझे नहीं पता इसके जो सामने मेंशन लिखा हुआ है ये धुल करके क्लीन हो जाएगा या वैसे ही रहेगा, तो उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, बट हाँ क्वालिटी बहुत अच्छी थी इसकी। और ये था नेक्स्ट प्रोडक्ट, इतने भी प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने मंगवाए हुए हैं मीशो से, एंड काफी अफोर्डेबल एंड सस्ते रेंज में आते हैं ये, एंड मीशो इज एन इंडियन ब्रांड, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन रीसेलिंग ऐप है। तो इसमें करना क्या होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करिए एंड डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल में उसको देख लीजिए कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या कैटेगरी है, बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ कैटेगरीज में अवेलेबल है, तो आप
अपने लिए परचेस कर सकते हैं या फिर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर भी कर सकते हैं उसमें मार्जिन डाल के. सपोज मैंने ये जो बॉक्स है ये मैंने खरीदा है 800 रुपए का, डेफिनेटली ये 900-1000 रुपए का मार्केट में मिलेगा. तो आप उतना मार्जिन ऐड करके उनको बेच सकते हैं. आपको कोई पैसा नहीं लगना है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट को शेयर करने हैं, दैट्स इट. उसके अलावा आपको और कोई मेहनत नहीं करनी. नेक्स्ट मैंने प्रोडक्ट परचेस किया है वो है ये शॉर्ट्स. ये विक्की के लिए शॉर्ट परचेस किया गया है घर में पहनने के लिए. अच्छा होजरी वाला मटेरियल है, क्वालिटी ठीक है इसकी, बहुत अच्छी नहीं है बट अच्छी है, ठीक है, प्राइस के हिसाब से ठीक है मैं बोलूंगी. उसके बाद जो मैंने लास्ट प्रोडक्ट दिया है ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, बड़ा ही क्यूट सा मैंने ये प्लांटर परचेस किया है. तो ये कप स्टाइल में प्लांटर है एंड बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने इसके अंदर इस तरह से जो पाम ट्री है, मेरा मिनी पाम ट्री है, वो विद पॉट ही रख दिया है. आप चाहें तो इसके अंदर वो कर सकते हैं, प्रॉपर मिट्टी लगा कर किया. ये देखिए इसमें यहाँ पर होल भी दिया हुआ एंड बट मैंने इसको इसके अंदर लगा करके रख दिया है ताकि मुझे पानी ये गंदा ना हो अंदर से. बड़ा ही क्यूट सा लग रहा है एंड बहुत सस्ता एंड बहुत अफोर्डेबल मुझे मिला है. अगर मेकओवर करते टाइम मुझे पहले पता होता था कि इतने अच्छे प्लांटर्स इसमें अवेलेबल हैं तो मैं डेफिनेटली जो मैंने नर्सरी से खरीदे थे वो थोड़े एक्सपेंसिव थे, मैं यहाँ से परचेस करती. और भी काफ़ी सारे कलर्स एंड वैरायटीज और अलग अलग शेप्स में अवेलेबल हैं. तो प्लांटर्स की रेंज आप इनकी ट्राई जरूर करिएगा, बहुत ही अच्छी है एंड सस्ती है. सो यस, दैट्स इट फॉर माय वीडियो. इन सारे प्रोडक्ट्स के जो कोड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, उन कोड को आप कॉपी करिएगा एंड मीशो के जो सर्च बार होता है उसमें डाल दीजिएगा तो आपको सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा. इनकी लिंक्स अवेलेबल नहीं होती इसलिए मैं लिंक नहीं डालूंगी, प्रोडक्ट कोड्स डालूंगी. दैट्स इट फॉर माय वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा एंड मैं मिलती हूं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.